बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मज़ा हाजिर है एक बार फिर सखी वर्ता हर्ष बुलंद प्रोग्राम के साथ। एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल टीम सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुकी है। वो चार मुल्की टूर्नामेंट है ये जो सऊदी अरब मेजबानी कर रहा है इस टूर्नामेंट की। सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और कॉमोरोस है, जबकि चौथी टीम मलेशिया से। इसमें पाकिस्तान अपना पहला मैच 11 जनवरी को कॉमोरोस के खिलाफ खेलेगी, जबकि दूसरा मैच उसका 15 जनवरी को मॉरिशस के खिलाफ है, जबकि तीसरा मैच वो सऊदी अरब के खिलाफ खेलेगी। अब ये देखना ये है कि उसके लिए टफ साबित होती है कौन सी टीम है। सुना तो बहुत है कि पाकिस्तान की टीम बहुत प्लानिंग के तहत गई है, बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की है, काफी उन्होंने यहाँ पे दिन रात उन्होंने मेहनत की है। उनके कोचेज, उनका पूरा स्टाफ बहुत उम्मीद के साथ यहाँ से रवाना हुआ कि वो इंशाल्लाह मैचेस जीत के यहाँ आएंगे। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं अपनी यहाँ की जो ये टीम है गर्ल्स की, कमांडर सिटी की, उन प्लेयर से भी हम मालूम करते हैं कि वो कितना पैशन रखती हैं फुटबॉल के लिए। जी, हम सबसे पहले मेरे राइट साइड पे कमांडर सिटी गर्ल्स की टीम की कैप्टन आमना मौजूद है। उसके बाद हमारे इसमें ये है मिडफील्डर कॉनन। अच्छा, मैं आपको कॉनन के बारे में एक और बात बताती चलूं कि ये बहुत अच्छी टैकॉन्डो की प्लेयर भी है, उनके पास ब्लू बेल्ट भी है। तो ये काफी जो दूसरी गर्ल्स है इनसे खौफ ज्यादा भी रहती है कि अगर कोई सामने ऐसा नहीं हाथ पर भी चलना शुरू हो जाए उनके। तो उसके बराबर में है बरीशम जो कि हमारी बेहतरीन गोल कीपर है यहाँ की, चार का हीरो लाइन। उनके बराबर में है सोहा जो बेहतरीन डिफेंडर है, और उनके ही बराबर में है जैनब जो कि वो भी स्ट्राइकर है। सबसे पहले हम इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फीफा अपॉइंटेड पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन जनाब शाहिद नियाज खोकर साहब। जी शाहिद नियाज खोकर साहब, आप सबसे पहले हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये बताइएगा कि जो चार मुल्की टूर्नामेंट सऊदी अरब में खेला जा रहा है, इसमें कौन कौन से ममालिक शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और थोड़ा सा स्केड्यूल भी बताइएगा कि पाकिस्तान का किस टीम के साथ कब मैच है, कौन सी तारीख को है, तो इस सिलसिले में थोड़ा सा हमें अपडेट दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। जैसा आपने फरमाया, पाकिस्तान की विमेन टीम काफ़ी अरसे के बाद अब दोबारा इससे पहले भी एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी है। अब ये उसका दूसरा एक बड़ा मेगा इवेंट होगा सऊदी अरब में जो हो रहा है। पाकिस्तान अपना पहला मैच कॉमोरोस से खेलेगा 11 जनवरी को, और उसके बाद फिर दीगर जो टीम्स हैं जिसमें मॉरिशस है और सऊदी अरेबिया है, तो बिल तरतीब मॉरिशस से 15 जनवरी को और आखिरी मैच जो है वो 19 जनवरी को पाकिस्तान की टीम खेलेगी। तो शाहिद साहब, हमें ये भी बताइएगा कि नादिया खान जिन्होंने मालदीव के खिलाफ चार गोल स्कोर किए थे, क्या वो भी इस वक्त पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, क्या वो भी मैचेस खेलेंगी इस वक्त? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। नादिया खान टीम का हिस्सा है और टीम के साथ ट्रेनिंग भी उन्होंने की है और ट्रैवल भी करें टीम के साथ, और तवक्कुआत क्या उनके साथ हमारी है, पाकिस्तान की सारी कौम की उनके साथ ये तवक्कुआत है कि वो अपनी वही कारकर्दगी जो उन्होंने नेपाल के अंदर वो सामने लेके आई थी उसी कारकर्दगी को दोहराएंगी, और इंशाल्लाह वी हैव हाई होप्स विद नादिया। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की टीम जिन जिन ममालिक के साथ अपना मैच खेलेगी, कि कौन सी टीम ऐसी होगी जो टफ टाइम देगी पाकिस्तान को? ये इस लिहाज से एक पाकिस्तान के लिए भी और बाकी टीम्स के लिए भी इसमें दिलचस्पी का और कंपेटिटिवनेस का एक एलिमेंट है कि ये सारी टीम्स ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार टीम्स नहीं है। तो हम इसमें मुकाबले वाला पहलू काफ़ी ज़्यादा देखते हैं सारे मैचेस में, और लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वैसे अगर आप परफॉर्मेंस वाइज इनको एनालाइज करें तो ये सारी टीम्स ऑलमोस्ट एक ही मायार की टीम्स हैं, तो दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। साथ साथ ये भी बताते चलें कि इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन कैसा है? पाकिस्तान की टीम बड़ी हाई स्पिरिट्स में इस टूर्नामेंट के लिए गई है, और हम
टेक्निकल स्ट्रेटजी तो जो टीम का टेक्निकल स्टाफ है वो बता सकता है, कोचेस बता सकते हैं, लेकिन मैं इसकी स्पिरिट आपको बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि हमने अटैकिंग फुटबॉल को फोकस किया और हम अपनी टीम से एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी की तवक्को रख रहे हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगी। एक सबसे बहुत अहम सवाल जो तमाम हमारे तकरीबन गर्ल्स की तरफ से भी यही किया जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर वुमेंस में फुटबॉल को फरोग देने के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस वक्त क्या इकदाम कर रही है? जी, आप जानती हैं कि पाकिस्तान का वुमेन फुटबॉल के लिहाज से एक बैकग्राउंड में आपको कल्चरल हिंड्रेंसेस और जो यहाँ पे चीजें हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। तो हमने बॉटम हमने टॉप टू बॉटम की अप्रोच शुरू के अंदर अडॉप्ट की है, विच वॉज रिलेटिवली एन ईजी टास्क टू अकम्प्लिश। उसके बाद फिर हम अब अकेडमीज के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ा एक्टिवली हम अकेडमीज को ना सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारी अकेडमीज को हमने इक्विपमेंट सपोर्ट दी है और काफ़ी सारी ऐसे एक्शंस हैं जो आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, होपफुली कुछ अरसे में आपको इसमें विमेन फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल के ऊपर काफ़ी मुस्बत नतायज इसके मिलते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शायद नियाज कोकर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। तो ये हमारे सब प्लेयर्स मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल करती हूँ कैप्टन से, आमना से। जी आमना, पहले तो ये बताइएगा कि आपको जैसे कि मालूम हुआ है कि पाकिस्तान की वुमेन टीम इस वक्त गई है सऊदी अरब, तो आप क्या समझती हैं कि जो टीम गई है उन क्या आप कभी ख्वाहिश रखती हैं कि उन टीम के साथ आप भी जाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं भी ऐसे टीम के साथ जाऊं और जाकर खेलूं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जरूर जीतेगी। जी अब हमारे साथ मौजूद है कौन है जो कि मिडफील्डर है, इनसे मालूम करते हैं। जी कौन, मुझे तो पहले ये बताइएगा कि आप ही टैकॉन्डो की प्लेयर है और मैंने जहाँ तक सुना है आपकी मदर से भी कि बहुत अच्छी प्लेयर थी, ब्लू बेल्ट भी हैं, तो क्या वजह थी कि आपने टैकॉन्डो को स्विच करके आपने फुटबॉल में फुटबॉल ज्वाइन की? अस्सलाम वालेकुम, एक रीजन तो ये था कि हम जहाँ मैं सीखती थी टैकॉन्डो तो वहाँ से हमने शिफ्टिंग कर ली थी एंड मेरे लिए यहाँ पे आगे मुश्किल हो गया था मतलब क्लासेस लेना, तो फिर मैंने फुटबॉल अकेडमी देखा कि गर्ल्स यहाँ पे भी आती हैं और मुझे फिर ऐसा ऐसा शौक होने लगा, फिर मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया अकेडमी एंड देन आई रियलाइज्ड कि फुटबॉल खेलना टैकॉन्डो से भी अच्छा है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोप भी है, हम बाहर में भी जा सकते हैं, हमें मौका भी मिल सकता है खेलने का बाहर जाके, तो मुझे टैकॉन्डो से ज़्यादा इसमें स्कोप लगा एंड इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ है। अच्छा, तो इसमें आपकी मदर की तरफ से क्या परमिशन मिल गई थी क्योंकि इसमें आपको पता है कि बहुत रफ गेम है, इसमें चोट भी लगती है, इसमें स्क्रैचेस भी आते हैं, बॉडी भी डैमेज होती है, तो किस तरह से आपने उनको एग्री किया फुटबॉल के लिए? मेरी मदर जो है वो मुझे स्पोर्ट्स में आगे ही रखती है और मुझे भी शौक है, उन्होंने बताया है कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँगी मैं कर लूँगी स्पेशली स्पोर्ट्स में, तो उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है तो वो मुझे इजाज़त दे देती हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह की मदर्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहना चाहिए क्योंकि जो बच्चों के अंदर जो खुद की ख्वाहिश होती है जब तक उसको माँ ना पहचाने और उसको इंकरेज ना करे तो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब हमारे साथ मौजूद हैं गोलकीपर बरीशम, बरीशम से हम मालूम करते हैं। बरीशम मुझे बताओ कि फुटबॉल जैसे टफ गेम में आप क्यों आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, फुटबॉल जैसे टफ गेम में मैं देखती थी कि बहुत बॉयज भी फुटबॉल ग्राउंड जाते थे और सबकी मदर से परमिशन दी हुई थी गर्ल्स में भी, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी फुटबॉल ज्वाइन करूं और सबकी तरफ से खेलने जाऊं बाहर। तो फिर जब आपने मम्मा के सामने सवाल रखा जो बहुत मुश्किल सवाल है कि क्या मैं फुटबॉल खेल सकती हूं, तो पहला मम्मा का रिएक्शन क्या था? मम्मा ने पहले मना करा लेकिन जब मम्मा ने देखा कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं तो मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे साथ मौजूद है हेरोलाइन, अटैकिंग पोजिशन पर खेल रही है इस वक्त। जी हेरोलाइन, मुझे ये बताइए कि आपने क्यों फुटबॉल को चूज किया और आप
क्या अपना एम लेकर इस फुटबॉल में आई हैं, कि क्या आपका एम है, कि आप कहाँ अपने आप को देखती हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। मुझे फुटबॉल में जो है वो हमेशा से ही मुझे दूसरों को देख देख के, कजन्स वगैरह मेरे खेलते रहते थे, मुझे उनको देख के बहुत शौक हुआ। मैंने कहा मैं भी यहाँ पे, मुझे जब मौका मिल रहा है तो मैं भी ज्वाइन करूँ। मैंने ज्वाइन किया तो मुझे मज़ा आया। तो मुझे असल में स्ट्राइकर बनने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे छीनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं छीनूं किसी से और फिर जाके गोल करूं। अच्छा। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। डिफेंडर सोहा, सोहा से हम मालूम करते हैं। सोहा मुझे ये बताइए कि आपने डिफेंडिंग की मतलब पोजीशन क्यों चूज की? क्योंकि जो आम अल्फाज है, मैं ये कहूँ कि डिफेंडर कैसे वैशी और इस तरह से बिल्कुल रफ होता है कि वो सामने वाले आने वाले प्लेयर्स पर मतलब चीते की तरह हमला करना होता है, और आप इतनी नाजुक कली सी, बिल्कुल नाजुक सी हैं, तो किस तरह से आप डिफेंडिंग कर लेती हैं? हमें आगे देखना पड़ता है कि आगे कौन है, हमें ये नहीं देखना पड़ता, बस हमें उनको रोकना होता है और आगे पास करना होता है। इसमें कुछ हार्ड नहीं होता है, ना इजी होता है। हमारे साथ एक तो छोटी प्यारी सी प्लेयर मौजूद है, जैनब। जैनब से हम पूछते हैं, जैनब आप किस पोजीशन पे खेलती हैं? मैं स्ट्राइकर। अच्छा, तो स्ट्राइकर है, क्या आपको मालूम है कि स्ट्राइकर की क्या जिम्मेदारी होती है ग्राउंड में? स्ट्राइकर का ये काम होता है बॉल छीन के गोल करना होता है। अच्छा, तो क्या आपने इस तरह के गोल किए हैं या सिर्फ बातें तक है? नहीं, किए भी है मैंने। अच्छा, हम अपने तमाम मेहमान जो यहाँ पे हमारी टीम गर्ल्स बैठी हुई हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई, हमारे लिए टाइम निकाला। कौनैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। बरिशम, आपका शुक्रिया। रोहन, आपका बहुत शुक्रिया। सोहा और जैना, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। जी नाजिन, अब देखते हैं कि जो अब ये मैचेस शुरू होंगे 11 जनवरी से, तो 11 जनवरी को बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिले। तब तक के लिए सना मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।